देवी और सज्जनों, मैं दो टूक शब्दों में कुछ बड़े कटु सत्य आपको कहना चाहता हूं, ठीक है? और क्योंकि कड़वा सत्य बोलना ही एक फौजी का काम है, हमें सिखाया जाता है, क्योंकि आप सच नहीं बोलेंगे तो आप लोगों को लड़ाई के मैदान में मराएंगे। यस सर, थ्री बैग्स फुल सर, लड़ाई के मैदान में नहीं चलता। मैं कहना ये चाहता हूं, ये सवाल देखिए, हमारे देश में एक बड़ा मधुर गीत है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं महात्मा गांधी जी की तहे दिल से इज्जत करता हूँ, वो संत थे, लेकिन वो सच बोलने वाले थे, और भगवती कृपा से अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद बोलते कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसको आपने जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपने गाड़ दिया। यू आर गिल्टी, आई एम गिल्टी, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने और जिसके सैनिकों ने हमें आजादी दी, आपने उनको जिंदा दफना दिया। 60,000 की इंडियन नेशनल आर्मी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने रेस करी थी, खड़ी करी थी। 3 डिविजन्स थी इसके अंदर, और इनमें से 60,000 में से 26,000, जरा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, 60,000 में से 26,000 शहादत और कुर्बानी उनको मिली, प्राप्त हुई। वो लड़ते लड़ते मरे ताकि आप और मैं आजाद हो। 26,000 की कुर्बानी, और आप कह रहे हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं, तुम मेरे पास आके गाओ। नहीं नहीं साहब, आपको हक क्या है? वो 26,000 जो हमारे परिवार, जो वहां जिनके घर में मातम मना है, आप उसको भुला सकते हैं कि हमने साहब लाठी खाई, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर बनेंगे? अरे लाठी तो मेरी भैंस भी खाती है साहब, मेरे गांव में वहां लाठियां पड़ती हैं। अब उसको कल हम हर भैंस को यहां बिठाएंगे क्या? भैंसासुर बनाएंगे किसी को? देखिए साहब, ये दुख की बात ये है। बोले साहब, बख्शी साहब, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? आज की बात करो ना, वेयर यू आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर यू केम फ्रॉम। आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत हद तक मुनस्सर है। हम कहाँ से आ रहे हैं साहब, किस मोड़ से हमने ये गांव का राह पकड़ी, ठीक है? और इसके लिए अपने अतीत को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अतीत में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा धोखा है। पहले हमें कहा जाता था, साहब आप कहते हैं कि बोस ने आजादी दिलवाई, क्या प्रूफ है आपके पास? तो वो रंजन बोरा की जो हिस्टोरिकल जर्नल ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है जिसमें इसको साइट किया गया है, मजूमदार की एक किताब है जिसमें इंटरव्यू साइट किया है कि साहब ये क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1945, अगस्त 1945-1950, जिसके समय ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। मैं आजादी नहीं बोल रहा, हैव यू गॉट मी? मैं आजादी नहीं कह रहा साहब, जिसके सामने ये, जिसके समय में, जिसके कार्यकाल में ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसने खुद बात करी जस्टिस पीबी चक्रवर्ती से, ठीक है? और उसने कहा, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आपको अभी सुनाया, कि साहब आपने भारत क्यों छोड़ा? 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तो फेल हो चुका था। 45 में आप विश्व युद्ध जीत चुके थे, आप तो 30 मार कहाँ थे उस वक्त? आप साहब इतनी जल्दी उड़न छू क्यों है? उसने बोला 3 शब्द, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, 3 शब्द। लेकिन वो भी देखिए साहब, शातिर लीगल दिमाग, उन्होंने वहां नहीं छोड़ी बात। नहीं तो फिर साहब मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी की फ्रीडम, नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल का आपके जाने पे क्या इम्पैक्ट था? वो कहते हैं, एंड आई कोट, एटलीस्ट फेस ट्विस्टेड इन टू अ सरकास्टिक स्माइल As he spat out the words, M-I-N-I-M-A-L, minimal,
ये कौन कह रहा है साहब? जिसने ये फैसला लिया, जिसने ये हस्ताक्षर किए, उससे बड़ा कोई चश्मदीन गवाह आप ढूंढ सकते हैं तो बता दीजिए। लेकिन हमें बोला गया साहब, नहीं 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 बख्शी साहब, इफ यू आर अ हिस्टोरिकल स्कॉलर, हाउ कैन यू, ये तो टर्शियरी एविडेंस है, किसी ने किसी को कहते सुना, उसने रिकॉर्ड किया, उसने आर्टिकल में लिखा, आप उसको ला रहे साहब, आई दिस इज नॉट प्राइमरी सोर्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारा INA ट्रस्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट और हमारे कुछ सहयोगी, खासतौर डॉक्टर कल्याण कुमार डे, किसी दिन हम लोग इस शख्स का इज्जत से नाम लेंगे, इन्होंने जाके लंदन में ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में कई सालों का रिसर्च किया, इन्होंने उसको लाके एक छोटा सा मोनोग्राफ बनाया और मेरे पास बेचारे लेके आए, अमेरिका में रहते हैं, वहां काम करते हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे, बोले जनरल साहब जरा ये देखिए। साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उन्होंने चिट्ठियां पूरी की पूरी, ही डिड नॉट साइट कि साहब ये डॉक्यूमेंट है, वो पूरी पूरी चिट्ठी रिप्रोड्यूस करती है साहब, और इनकी बुनियाद पे अब मेरी किताब मैं लाना चाहता हूं, बोस और गांधी हु मेड इंडिया फ्री, दो टूक शब्दों में साहब, हो जाए फैसला, हो जाए, शास्त्रार्थ का हमें शौक है इस देश में, तो जरा साहब एक बारी बैठ के फैसला हो जाए, बोस और गांधी हु मेड इंडिया फ्री, और अब हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस प्रोसेस में उनके साथ मिलकर हमने कहा, पहले आइडेंटिफाई करिए कि अंग्रेज सरकार में कौन की डिसीजन मेकर्स थे जिन्होंने भारत की आजादी पर जो है फैसला लिया। मेरे पास वैसे स्लाइड्स भी हैं लेकिन मैं जबानी आपको बोल दूंगा, समय नहीं व्यर्थ करूंगा। पहला चश्मदीन गवाह, पहला एक्टर, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जिसकी मैंने बात अभी करी है, ठीक है साहब, लंदन में पेथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, साइमन क्रिप्स, वो क्रिप्स मिशन वाला, वो उस वक्त ट्रेड का सेक्रेटरी था बट उसने भारत के इसमें बहुत भारी रोल अदा किया है। न्यू दिल्ली में आइए, वॉयसराय, वाइकाउंट वेवल, फील्ड मार्शल वेवल, जो कि वॉयसराय था और पहले इंडियन आर्मी का चीफ था, ये चश्मदीन गवाह, क्रिटिकल डिसीजन मेकर। उसके बाद फील्ड मार्शल लॉकिनले, ही बिकेम फील्ड मार्शल इन दिस थिंग, उस वक्त कमांडर इन चीफ, लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर, पूरी सर्विस ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फौज में उसकी थी। दिल्ली में ये दो क्रिटिकल जो थे वो डिसीजन मेकर्स थे, ठीक है साहब, होम सेक्रेटरी मूडी शूडी है वगैरह, ये क्रिटिकल ये जर्नल थे दो, एक दोनों फील्ड मार्शल, सॉरी दोनों के दोनों फील्ड मार्शल बन गए। गवर्नर्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, गवर्नर ऑफ पंजाब, जब नवंबर 1945 में साहब INA की ट्रायल्स के बाद बवाल खड़ा हुआ इस देश में, बवाल, ठीक है साहब, गदर फैल गया, क्राउड्स, लाखों के क्राउड्स कलकत्ता में निकले, गवर्नर वेस्ट बंगाल रिपोर्ट देता है, हमने फायर खोला, भीड़ थोड़ी देर तक वेवर हुई, फिर दोबारा हमले पे आ गई, अपने लाशों को उठा के साइड करके वो फिर हमले पे आ गए, हमने पहली बार भारतवर्ष में देखा है ये होता हुआ। द क्राउड्स वुड नॉट स्टॉप, इवन व्हेन फायर वाज ओपन द क्राउड्स डिड नॉट स्टॉप, इस तरह का बवाल वहां पे, मरो या मारो की जो ये जो हिंसा की जो लहर फैली थी, ठीक है साहब। उस वक्त के हम आपको इस किताब में पूरे के पूरे जो है वो लेटर्स फ्रॉम लॉर्ड वेवल, फ्रॉम वाइकाउंट द वेवल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है साहब, टू हिज मैजेस्टी द किंग, ठीक है साहब, और जो वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको जो उन्होंने वहां पे भेजे जो लेटर्स, हम आपको पूरे के पूरे पढ़वाएंगे साहब। और उसके बाद अगर आप मतलब कोई एक गधा है जिसको यह समझ नहीं आएगी कि साहब अंग्रेज गए तो गए क्यों, देखिए साहब कल्याण डे साहब ने अपनी किताब जो है वो शुरू की है गांधी जी से, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट को उसका नारा लगाया गया। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आजाद,
मौलाना आजाद, नेहरू, इन सब ने कहा था साहब मत करो, अभी अंग्रेज लड़ रहे हैं, अभी उनका साथ दे दो। बाद में वो बड़े खुश होके हमको हमारी भिखारी की टोकरी में, हमारी पिटारे में वो डाल देंगे आजादी एज ए गिफ्ट। तो बोले साहब ये बख्शीश तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी हुई थी, 70,000 हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, 11 को विक्टोरिया क्रॉस मिला, परमवीर चक्र के बराबर जो है आज का वहां का उन जमाने का अवार्ड। हम समझते थे कि साहब हमें अब कम से कम डोमिनियन स्टेटस तो मिल जाएगा साहब, होम रूल तो मिल जाएगा साहब। पंजाब जहां से मैक्सिमम आर्मी उस वक्त की गई थी, वहां पे जनरल टायर ने फायर खोला और 1,000 मार दे, 1,500 हमारे जो है हिंदुस्तानी मार डाले। ये गिफ्ट था ब्रिटिश एम्पायर का, ये ग्रेटिट्यूड था ब्रिटिश एम्पायर का। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बोला था, आप अगर इनकी खैरात पे जीव लगा के बाहर खड़े रहोगे भिखारी कुत्तों की तरह, तो तुम्हें वही हर्ष होगा जो जलियांवाला बाग में हुआ था। ये मौका है द्वितीय महायुद्ध का, जब जर्मनी और जापान चढ़े हुए हैं इनकी गर्दन पे, आजादी ले सकोगे तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। गांधी जी अब तक उनको भी देखिए, बड़ी अजीब बात है, गांधी जी ने निकाला था सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से, और कोई 2 साल के अंदर उनके मन में परिवर्तन हो चुका था। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द व्यूज ऑफ गांधी एंड बोस वर नाउ कोइंसाइडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ व्हेन द फ्रीडम स्ट्रगल शुड बी लॉन्च। गांधी जी अभी भी कह रहे थे कि ये नॉन वायलेंट होनी चाहिए, लेकिन क्विट इंडिया के पहले उन्होंने कहा थोड़ा सा होता है तो होने दो, ठीक है। अंग्रेजों ने पकड़ के सारी कांग्रेस लीडरशिप को, आज की तारीख, आज है वो तारीख 8th of August 1942 जब द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च। उनको पहले से इंटेलिजेंस थी, उनके हजारों तो उनके मुखबिर थे वहां पे। हरामजादगी की कमी है इस देश में, खबर देने वालों की कमी है इस देश में। अरे साहब वो उनको खबर थी, उन्होंने लपेटी पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, गांधी जी से लेकर जो भी बड़े लीडर थे उठा के जेलों में डाल दिया। 57 गोरी पलटने, प्लीज दिस इज नॉट नोन, 57 व्हाइट बटालियंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, न्यूजीलैंडर्स, इसको इस्तेमाल किया कि रगड़ दो इनको, कुचल दो 10 सालों का सर, ये सर उठाने की हिम्मत करिए, चर्चिल ने बोला वहां से, और बोला अगर ये फास्ट पे जाता है मरने दो इसको, हम संभाल लेंगे, लेट हिम डाई, वाई इज ही नॉट डेड, ये चर्चिल से सवाल आया। बेचारों ने फास्ट किया, सब कुछ किया, उन लोगों ने बोला गांधी जी अब रहने दीजिए, ठीक है, ये अब वो सोल फोर्स का जमाना नहीं। और साहब इनको निकाला गया जेल से 44 की जुलाई में निकाला गया, जबकि जापानी फौज हार चुकी थी, INA वहाँ पे इम्फाल कोहिमा की बैटल पराजय हो चुकी थी। अब इनकी सांस में सांस आई, इन्होंने गांधी जी को निकाला। गांधी जी ने कई सारे इंटरव्यू दिए आने के बाद, जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी से हमने चैप्टर 1 में प्रोफेसर साहब हमने डाले, वो टूट चुके थे बेचारे, अंग्रेजों ने क्या किया क्या नहीं किया भगवान जाने, जेल के अंदर वो टूट चुके थे इन हेल्थ इन स्पिरिट, उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर निकाला गया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि देखिए, जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की थी, पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपोज किया था, गांधी हैड सेड नो इट विल बी डन, इट वॉज डन। जब वो निकल के बाहर आए, कहते मेरी कोई अब अथॉरिटी नहीं है, मैं अब कुछ नहीं हूँ कांग्रेस में, जब मैं जेल गया मेरा सब पोजीशंस खत्म हो गई, ये उनके शब्द हैं, ये उनके शब्द हैं, और इसके चलते मैं किसी को नहीं कह सकता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करो। एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा, तो अगर कल आपको वॉयसराय साहब बुलाते हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं गवर्नमेंट के वॉर एफर्ट में उनकी सहायता करूंगा। डिफीट टोटल, खत्म, खलास, फिनिश, आपकी जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी साहब वो कुचल दी थी अंग्रेजों ने बाय यूज ऑफ ब्रूटल फोर्स, ठीक है साहब। और ये 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 मिरेकल कैसे हुआ? उन्होंने, अंग्रेजों ने एक और जलियांवाला बाग करना चाहा, साइकोलॉजिकल जलियांवाला बाग। अब तो हम जंग जीत गए हैं हिंदुस्तानी कुत्तों, अब तुम्हारा नाक रगड़ेंगे, सबके सामने दिखाएंगे कैसे तुमने हिमाकत करी ब्रितानवी हुकूमतें, क्या मलिकाए हिंद के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की, अपनी तुमने हिम्मत करी हथियार उठाने की,
तुम्हारा वही हश्र होगा जो 1857 के बाद हुआ था, तुम्हारा वही ट्रायल होगा जहां बहादुर शाह जफर का ट्रायल लाल किले में हुआ था। तुम्हारी नाक रगड़ेंगे, यू ब्राउन डॉग्स, तुम्हारे तुम श्वेत लोगों के खिलाफ तुमने हिमाकत करी। और तब उन दिनों जैसे मैं बताता हूं, आपके सारे जो हैं क्या कहते हैं जिमखाना क्लब्स और ये जो क्लब्स थे, बाहर बोर्ड लगा होता था अगर आपको कोई शक है, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, और आप ये सह रहे थे और आप अपने वो ले रहे थे वहां से उसी सरकार से खिताब, राय बहादुर, फलाना बहादुर, ये बहादुर, बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हो उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आता ताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया, और उसको तो भी रहने दीजिए, आपकी इज्जत भी उठा के ले गए आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो, आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है? आपको लड़ने का मादा जगाना होगा, और ये जो है ये जंग, माफ कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका, और इसके खिलाफ पहली आवाज उठी थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही इज द मैन जिसने इसको बोला उठो लड़ो। गीता के पहले अध्याय में भगवान ने क्या कहा है, अर्जुन युद्ध कर, बड़ी बड़ी फिलॉसफी मत झाड़ मेरे को कि साहब अपने भाई को मारूंगा, अपने दादा को मार दूंगा, गुरु को मार दूंगा तो क्या राज्य का फायदा। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन अगर तू इन्हें नहीं मारेगा अर्जुन, ये तेरे को मार डालेंगे, निर्दयता से तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे, समझ गया? अब तू उठ और तू लड़, आपके लिए भी समय आ गया है कि जो क्षात्र भाव है उसको प्लीज जगाइए, जो आपस में तोड़ने की जो आपने जुनून बना रखा है कि हम टुकड़े टुकड़े खुद करेंगे और फिर जेएनयू में चिल्लाएंगे, आप प्लीज जागिए, नहीं तो वाकई ही मैं आपके टुकड़े टुकड़े होंगे। इसलिए जरूरी है ये जानना, हु मेड अस फ्री, बोस और गांधी, क्योंकि आपका जो जो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट है, किस किस्म की स्टेट पैदा हुई, डिपेंड्स ऑन हु गॉट यू फ्री एंड हाउ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपका वजूद आपका प्रेजेंट शेप कर रहा है और आपका फ्यूचर शेप करेगा, एंड अनलेस यू एक्सेप्ट द ट्रूथ, आप साहब बहुत सफर करेंगे, बहुत सफर करेंगे, और ये आपके सिर पे आ रहा है। कोई भी सरकार आ जाए, हथियार नहीं खरीदे जा सकते इस देश में, क्योंकि गांधीवाद है साहब। और साहब 10 साल से एक संत एंटनी थे, उन्होंने कोई हथियार नहीं खरीदा था, मैं ना मानू भाई, मेरे कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, मेरी धोती सफेद। अरे साहब आपकी धोती सफेद है तो हम बुरे हैं क्या साहब? हम आप हमको हमको कफन क्यों चढ़ा रहे हैं? ये हथियार चाहिए, 30 साल से बोफर गन के बाद कोई तोप नहीं आई, MiG-21 जहाज 1960 की दशक के हैं, आसमान से टपक रहे हैं, रफाल नहीं आया, LCA नहीं आया, पत्थर मार के लड़ेंगे हम, नहीं साहब कोई धांधली नहीं होगी। जो भी डील करी उन्होंने उसमें अब बड़े बड़े बिच्छू के डंक निकल के आ रहे हैं साहब ऐसे पीछे, आपने अगस्ता वेस्टलैंड, बाकी हथियार 30 साल ना आए ना आए कोई बात नहीं साहब, जो VVIP हेलीकॉप्टर है वो तो फट से आएगा, और दुनिया का जो महंगा से महंगा हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला साहब मेरे लिए बहुत महंगा है, वो हम लेंगे, और एक नहीं लेंगे साहब, 12 चाहिए हमको, और वो फट से ऐसे आए, 5 साल में आ गए, और अब लोग जा रहे हैं सलाख के पीछे, किसी को तो भेजो, किसी को तो भेजो ताकि ये सिलसिला तो बंद हो। साहब मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका वजूद, आपका माहौल बिगाड़ा गया, आजादी दिलाई नेताजी ने, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और हम इस देश की जनता के सामने अब वो रखने वाले हैं, हम आपको चिट्ठियां पढ़वा देंगे, और कोई हिस्टोरियन को कोई शक है तो साहब हम आपको चिट्ठियां आपके साथ बैठ के पेन के साथ अंडरलाइन करके देंगे, साहब ये जरा पढ़ लीजिए इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी शायद
दो मतलब आप निकाल सकते होंगे. वी विल शो यू माउंटेन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. क्योंकि पहले हम चुप हो जाते थे कि यार ये हिस्टोरिकली शायद मेरे को रिसर्च मेथडोलॉजी पे फॉल्ट कर रहा है. मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास सारी किताब की किताब पोथियां हैं डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फर्स्ट पर्सन प्राइमरी एविडेंस. और ये आप लोग देखेंगे हमारे देश की त्रासदी क्या है. आज़ादी दिलाई नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने. अंग्रेजों ने बोला नाक रगड़ेंगे, बम फट गया. जिस INA की खबर उन्होंने छुपा के रखी थी 5 साल लड़ाई के, 6 साल लड़ाई के, वो एकदम से बाहर आई. उन्होंने बोला बहुत पब्लिक ट्रायल होगी ताकि हिंदुस्तान की फौज ठंडे पसीने माथे पे आ जाए कि हम फांसी पे टांगेंगे इस सालों, जैसे 1857 में टांगा था. लेकिन एक फर्क था, 25 लाख भारत की फौज की नफरी हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक. 25 लाख, आज 13 लाख. अब समझ रहे हैं, 22.5 मिलियन, 25 लाख फौज थी जो हर मैदान जंग लड़ चुकी थी. अंग्रेजों के दांत तो खट्टे, क्या जर्मनों के दांत खट्टे किए थे, आपके जापानियों से लड़े थे, ठीक है, इटालियंस की ऐसी तैसी कर दी थी हमारी फौजों ने. और लड़ाई के आखिर तक अंग्रेज जर्नल अपने नीचे ब्रिटिश डिविजन्स नहीं, ब्रिटिश यूनिट्स नहीं, इंडियन यूनिट चाहते थे. बोलते साहब इनके खाने पे आधा खर्चा होता है, लड़ते दुगना है, लड़ते दुगना है. ये एक भारत एक महान विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता था. प्लीज ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता था क्योंकि 25 लाख की फौज विदाउट कंस्क्रिप्शन. बाकी सब जगह बाई फोर्स लोगों को भेजा जाता था फौज में, यहां वॉलंटियर होके 25 लाख. ठीक है साहब, अगर ये सेना रहती, चीन क्या कौन सी ताकत थी जो इस देश का मुकाबला कर सकती थी. जाने के पहले अंग्रेजों ने इस फौज को 3.5 लाख कर दिया, 25 लाख से 3.5 लाख किया, और उसका फिर 2 में बांट दिया. पाकिस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज यहां से निकली. अंग्रेजों ने, ध्यान से सुनिए, अंग्रेजों ने जब जापान को जीत लिया, जर्मनी को जीत लिया, बोला यहां के लोगों का जो लड़ने का मादा ही खत्म कर देंगे. ऐसी पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज करी कि ये देश कभी उठ ना सके. अब तक जर्मनी जापान उठ नहीं पाए, आर्थिक रूप से कहीं भी पहुंच गए हो, दुनिया में मिलिटरली दे काउंट फॉर जिल्च, 0. और एक और देश जिसको ये किया गया, ध्यान से सुनिए, वो था भारतवर्ष. 25 लाख की फौज काटी, 3.5 लाख पे लाए, 2 टुकड़े कर दिए, और सोने पे सुहागा एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुना, सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट नहीं हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को इलेक्ट किया था. मत भूलिए इतिहास, सरदार पटेल वॉज इलेक्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी. अंग्रेजों ने गांधी जी के थ्रू जोर लगवाया, उन्होंने नहीं 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 आप नेहरू को एक्सेप्ट करेंगे, और सब लोग ठीक है, महात्मा जी आप कह रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलते. और बहुत नेचुरली खुंदक तो आई होगी सरदार पटेल बेचारों को, इलेक्ट मैं हुआ, सिलेक्ट ये हुए, जैसे इमरान खान हुए हैं बाय द वे. तो साहब एक उनको वो लेके आए नेहरू जी को, और जो हमारा पहला कमांडर इन चीफ था ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो था जनरल सर रॉय बुचर. उसने कहा मेरा नया बॉस आया है, तो अच्छी नई वर्दी निकाल के, बूट चमका के, टोपी डाल के, बेचारा फाइल पकड़ के आया, केन डेल के आया, सल्यूट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, नौकरी तो बनानी होती है साहब, तो सल्यूट करके आया. साहब बोले हाँ जी क्या लेके आए जनरल साहब, तो बोले कि साहब ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्लान ऑफ द इंडियन आर्मी. जनरल आई डोंट नीड एन आर्मी, दिस इज अ पीसफुल कंट्री, आई ओनली नीड द पुलिस, हु नीड यू, गेट आउट. इस बेचारे जो जनरल रॉय सर रॉय बुचर था, उसके चेहरे पे जो भाव आया उस वक्त, ये प्रधानमंत्री है. जब वो ऑफिस के बाहर आया तो किसी उसके जूनियर ADC ने पूछा सर क्या हो गया, यू सीम टू हैव सीन अ घोस्ट. तो वो कहता कि जी ऐसा ही कुछ है. कहता अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, अभी इनको संभालने दो अपना. अगर सरदार पटेल ना होते, आपकी फौज डिसबैंड कर दी गई होती. डू यू नो दिस,
दो चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए, लेकिन जो कुछ भी आप कह दो उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था जिना, और हमारा कौन था, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थंड न जाने दिया जा सकता है, तो बस आप रहिए साहब। अरे यार हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहाँ रोक के, वो खानदान को यहाँ रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल, आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर, वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन, जवाहरलाल यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू वॉन्ट मी टू टेक चार्ज, नहीं नहीं जी हमारी तो, यार ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर कर दे। अब बिल्कुल यही हुआ, अगर पाकिस्तान ना होता इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी, ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था, और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते, ये तो ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए, अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई, तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है तुमने लगाई 1962 में, नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा, और अब अमेरिकी एयरफोर्स मांग रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मांग रहे हो, मतलब इट वॉज तमाशा। थैंक गॉड 1964 में वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें बख्शा, और 10 साल में ये देश रीमिलिटराइज हुआ। 65 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ, लेट्स नॉट बी बीट अराउंड द बुश, ठीक है साहब, और 71 तक हमारे जर्नल हमारे लड़के सब सीख चुके थे और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बाद अगर पहली बड़ी विजय हुई है तो वो 1971 में हुई, 1971 में। कहने को मैं ये कह रहा हूं देवियों और सज्जनों, हमारे देश के साथ धोखा हुआ। नेताजी जिन्होंने आपको आजाद कराया वो ताइपे ताइवान नहीं गए थे, जो कांपेताई जापानीज इंटेलिजेंस थी उन्होंने पहले से उनके लिए प्लान बना रखे थे, उनको एक मित्सुबिशी बॉम्बर में बिठा के वो साइगॉन से मंचूरिया ले गए थे। एक रशियन स्पीकिंग जापानीज जनरल, रशियन स्पीकिंग जापानीज जनरल उनके साथ था जो इंटरप्रेटर का काम करना था, वो लैंड किए मंचूरिया में और वहां से वो सीधा रूसियों के पास गए। ओम्स्क शहर साइबेरिया में, जहां की रशियन गवर्नमेंट मूव करी थी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, ठीक है, ओम्स्क साइबेरिया, वहां पे आजाद हिंद फौज की एम्बेसी थी। अब जानते हैं वहां दूतावास था आजाद हिंद फौज का, ठीक है साहब, और वहां पे काटो कानो नाम का कोड नेम था उसका, वहां पे एम्बेसडर था। नेताजी सीधे उसके पास गए, जो सोना दिया था भारतीय मूल के लोगों ने वो साथ ले गए, ताकि अगर नई फौज खड़ी करनी पड़े तो उसके लिए पेमेंट करेंगे। वहां रहे, 3 ब्रॉडकास्ट उनके यहां पे रिकॉर्ड हुए हैं, उनके 3 ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए हैं साहब, दिसंबर 1945, जनवरी 1946 और लास्ट ब्रॉडकास्ट रूस से 18 फरवरी 1946। उसके बाद तब तक अंग्रेजों को बिल्कुल क्लियर पता चल गया था, अब तो रेडियो ब्रॉडकास्ट भी थे, एविडेंस लेके पहुंच गए स्टालिन के पास कि साहब ये तो हिटलर का साथ दिया इसने, तुम्हारा जानी दुश्मन, इसका कुछ करो। वो जॉर्जिन है ऐसा, अब वो था खुंदकी, सीधा लेज़नविस्की प्रिजन सेल नंबर 45 साइबेरिया। यहाँ होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी जो था मूडी अंग्रेजों का, वो लिखता है लेट हिम बी वेयर ही इज,
ये लिखित है, मैं मुंह से नहीं कह रहा साहब, इट्स नॉट आपने मेरे को बताया, मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी ने मेरे पोते को बताया, डायरेक्ट रिटन रिकॉर्डेड एविडेंस, लेट हिम बी वेयर ही इज। हिंदुस्तान में कोई जेल नहीं जो उसे रोक सके, हिंदुस्तान में पुष्पेंद्र कोई जेल नहीं जो उनको रोक सकती थी अंदर, ठीक है साहब। और वहां पे उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी जो मेरी रिसर्च अभी तक मुझे बताती है, वी वॉन्ट टू इंटेरोगेट, हम नेताजी को इंटेरोगेट करना चाहते हैं। आप इंटेरोगेशन का मतलब जानते हैं? नहीं जानते तो यहां फौजियों से पूछिए, पूछिए इनसे इंटेरोगेशन का क्या मतलब होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कटु सत्य यह है कि उनको टॉर्चर करके मारा गया। और जो ये कहानी थी प्लेन क्रैश की, जो जापानियों ने छोड़ी थी डिसेप्शन के तौर पे ताकि अंग्रेज उनके पीछा ना करें, उसको अंग्रेज ने उठाया, भाई जो मर चुका है वो चीख थोड़ी ना मारेगा। और आप और मैं, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे जब जिस इंसान ने आपको आजादी दी उसे यतनाएं देकर प्लास्टिक का बैग्स आखिर में सिर पे लाके दम घोट के मार डाला गया हो। वी हम सारे इस मर्डर में शामिल हैं अपनी चुप्पी के मारे, और 70 साल के बाद भी आप चुप हो, लेकिन हम आपको चुप नहीं रहने देंगे। हम फौजी ने अब ये ठान लिया है साहब, हम आपको चुप रहने नहीं देंगे। बहुत अच्छा कहा हमारे मिश्रा जी ने कि साहब अभी समय है। हाँ अब समय है, 14 अक्टूबर इस साल हम तमाम स्टेट कैपिटल्स में हमारी जो वेटरन्स इंडिया है, हमारी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट है, आपकी कर्नल साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, हम लोग एकजुट होकर मिलकर अलग अलग करेंगे तो बारिश जैसे कोई असर नहीं होगा, इकट्ठे बनोगे तो जलप्रपात बनेगा जो फाड़ देगा डैम की दीवार को भी। हम लोग सारे स्टेट कैपिटल्स में चलो दिल्ली का नारा लगा के वहां से लोग ला रहे हैं दिल्ली, सारी स्टेट कैपिटल्स में। कोई संगठन की जरूरत नहीं है आपके, हम सिर्फ चाहते हैं, जैसे ककलन साहब बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, अगर आप जय हिंद बोलने को तैयार हो आप जुड़ जाओ, तुम फौजी हो तुम नहीं हो, तुम सिविलियन हो तुम कुछ भी हो, आप हमारे सैनिक हैं। जो जय हिंद बोलने को तैयार है वो आ जाए, जहां भी हो 10-15-20 इकट्ठे करो जिस भी शहर में, लेकिन 14 अक्टूबर को पहला चलो दिल्ली अभियान शुरू होगा। और 21 अक्टूबर को जो कि नेताजी आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हुकूमत अर्जी आजाद हिंद सिंगापुर में 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की गठन करी थी, अपने नोट्स दिए थे, अपनी स्टैंप्स दी थी और ब्रिटेन और अमेरिका पे वॉर डिक्लेयर किया था, और इसके चलते ही INA के सिपाही बचे, इन्हें कोई फांसी नहीं टांग सका। साहब हमको तो देयर वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, आई एम लीगली एंटाइटल्ड टू फाइट, ये ओथ शोथ छोड़ो। अब साहब हमें बताया जा रहा है, हमने बोला साहब प्लीज 4 साल से मैं लगा हूं, गवाह हैं ब्रिगेडियर चिकारा साहब, 4 साल से मैं लगाऊं, कभी आर्मी चीफ कभी रक्षा मंत्री कभी ये कभी वो, कि भाई जो बेचारे बचे खुचे हमारे आजाद हिंद फौज के सेनानी हैं, रिपब्लिक डे पे आप उनको जो परमवीर चक्र के विजेता आते हैं जीपों पे, हमारे इन वृद्ध सेनानियों योद्धाओं को ला नहीं सकते, उनकी आंखें गीली हो जाएंगी, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। आप, हमने बोला कि तुम उनको पैसा दो, मरा तुम अपना पैसा लेकर, शव इट अप वेयर द सन डोंट शाइन फौजी भाषा के अंदर, लेकिन इनको इज्जत देने में तुम्हारा कुछ जेब से जाता है? आप इनको नहीं ला सकते राजपथ पे, क्यों? और नहीं तो क्यों, किसका डर है? अंग्रेज सरकार नाराज हो जाएगी तुमसे? कि हमको किसी ने एक आर्गुमेंट दिया, अरे साहब इन्होंने तो गद्दारी करी थी। क्या 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 क्या, किससे? आप कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी ओथ वायलेट करी साहब, जो इन्होंने ब्रितानवी सरकार हुकूमत ब्रितानिया क्वीन एलिजाबेथ और किंग जॉर्ज टू के नाम पे ली थी। जब मेरा देश है तो किंग जॉर्ज टू कौन होता है? मेरा देश के लिए मैं लड़ूंगा, मैं
मैं किसी का भाड़े का पिट्ठू नहीं हूं कि मैं अंग्रेज सरकार के लिए अपनी ओथ पे मैं कायम रहूंगा। अगर मेरे देश का सवाल है, भाड़ में गई तेरी ओथ, मैं ये लेके ऐसे पांव से कुचलता हूं अभी लिखी तेरी ओथ। आप कह रहे हो कि 70 साल आजादी के बाद 71वें साल में तुम INA के वेटरन्स को रिपब्लिक डे परेड पे नहीं ला सकते। चलिए साहब, यही बात रही। हम साहब रहे बेवकूफ आम हिंदुस्तानी, बड़े बड़े शातिर दिमाग सारे हमारी सरकारों में बैठे हैं, वो हमें कह रहे हैं तुम बेवकूफ हो। हाँ साहब, हम बेवकूफ हैं, बट वी आर इमोशनल ब्लडी फूल्स। और हम देखेंगे कि आप लाओगे, यू विल गेट द INA वेटरन्स ऑन परेड, अदरवाइज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एंड आई वी विल टेक यू टू कोर्ट। आपको सिर्फ कोर्ट की भाषा समझ आती है। और उसके पहले हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप एक हैं यहाँ, आपके परिवार जन 10 15 12 बड़े बड़े परिवार हैं भारतवर्ष में, आप प्लीज सबको लेके आइए। 21 अक्टूबर को हमने सरकार से मांग करी है कि सरकार एक फंक्शन करे, या प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी तिरंगे झंडे को लहराएं ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ हुकूमत आज़ाद हिंद फॉर्मेशन। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो आप समझते हैं कि ये खाली चला जाएगा? जी नहीं, हम करेंगे, हम याद करेंगे। वी विल नॉट फॉरगेट एंड वी विल नॉट फॉरगिव। हम भूलेंगे नहीं और हम कभी माफ नहीं करेंगे। जो गद्दारी तुमने करी है, जिसे तुम छुपा रहे हो, क्योंकि कितने सारे नौकरशाहों का, कितने सारे इंटेलिजेंस ब्यूरोस के चीफ का नाम आज कीचड़ में होगा अगर असलियत आ जाए सामने। आप छुपा रहे हो, लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। जितना ज्यादा छुपाओगे, ये अंदर राक्षस तुम्हारी पेट में बनेगा और ये फूट के बाहर निकलेगा। और जनता का जब समुदाय यहां आ जाएगा, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। आपकी जन साधारण की आवाज भगवान की आवाज। आप प्लीज एकत्रित होइए और 21 अक्टूबर को अगर सरकार कुछ नहीं करती, इंडिया गेट पे हम इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छे खुले मैदान हैं, जितने मर्जी आप चाहते हैं आप वहाँ ला सकते हैं। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और ज़रा अपनी आवाज़ उठाइए। आप टुडे यू आर एम्पावर्ड बाय द नेट। आपकी आवाज़ सिर्फ आपके घर के चार दीवारी तक नहीं रहेगी, ज़रा नेट के बटन दबाइए और इस आवाज़ को, इस चीख को आप प्लीज़ पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में फैला दीजिए। आखिरी में मैं सिपाही हूँ और एक सिपाही की तरह अंत करना चाहूँगा। पुष्पिंदर, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बट जब भी हमारी पलटनें हमले के लिए जाती थी तो वो ज़ोर से एक बार पलटन का जंगी नारा दहाड़ती थी, और दहाड़ इतनी ज़ोर से कि पहाड़ से पत्थर मैंने गिरते देखे हैं कारगिल की ऊंचाइयों से, और दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, क्योंकि इस दहाड़ का मतलब है हम आ रहे हैं सालो, वी आर कमिंग टू गेट यू। आप लोग मेरी पलटन की याद ताज़ा कर देंगे मेरे साथ, इस बुड्ढे के साथ? आइए मेरे साथ, ज़रा देखें इस बुड्ढे में ज़्यादा जोश है या आप में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।